Oh my god! Wow! हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे एक और वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कैसे आप लोग PUBG मोबाइल में M416 के साथ 4S का रिकॉइल कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को जानना है तो मेरे इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ गाइस कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि मैं चैनल पर गाइस PUBG का टिप्स एंड ट्रिक्स पर वीडियो नहीं डालता हूँ। मतलब हर वीक में मैं ट्राई करता हूँ कि हर दिन मैं वीडियो डाल सकूँ, अब मुझे टाइम नहीं मिल पाता इसलिए मैं नहीं डाल पाता हूँ। लेकिन अगर आप लोगों को किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं आप लोगों के लिए उस टॉपिक पर वीडियो ले आऊँगा। अब चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कैसे आप लोग M416 के साथ 4X का रिकॉयल कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि क्या आप लोगों को उठाना है। मतलब आप लोगों को इसके लिए तो पहले ट्रेनिंग मोड में आना है, फिर आप लोगों को यहाँ पे M4 4X ले लेना है, यहाँ पे एक्सटेंडेड मैग, डेस्कटॉप और यहाँ पे कंपेसेटर। आप लोग फ्लैश हेडर मत लीजिएगा और ना ही सप्रेसर, क्योंकि जो कंपेसेटर होता है गाइस उससे आप लोग का जो रिकॉइल होता है वो कम होता है। लेकिन अगर आप लोग फ्लैश हेडर या सप्रेसर यूज़ करेंगे उससे आप लोग का रिकॉइल थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो पहले आप लोग कंपेसेटर से ट्राई करिए, फिर उसके बाद जब आप लोग परफेक्ट हो जाएंगे तो उसके बाद सप्रेसर या फिर फ्लैश हेडर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन शुरू में आप लोग कंपेसेटर ही यूज़ करिएगा। और यहाँ पे आप लोगों को जो ग्रिप आप लोग सूट करता है वही ग्रिप आप लोग यूज़ करिएगा। अगर आप लोगों को कोई भी ग्रिप मिलती है, अगर आप लोगों को नहीं पता कि आप लोगों के लिए कौन सा ग्रिप बेस्ट है, तो आप लोग पहले ट्रेनिंग में प्रैक्टिस करिए कि आप लोगों को कौन सा ग्रिप से सबसे कम रिकॉइल होता है। अब मैं तो वर्टिकल यूज़ करता हूँ, तो आप लोग वर्टिकल मतलब कुछ लोग तो वर्टिकल यूज़ करते हैं, कुछ लोग एंगल, तो कुछ लोग लाइट ग्रिप। तो इसीलिए आप लोग ये मत देखिए मैं कौन सा ग्रिप यूज़ कर रहा हूँ, आप लोग अपना ग्रिप जो आपको सूट करता है वही ग्रिप यूज़ करिएगा। अब चलिए मैं आप लोग को दिखाता हूँ मेरा रिकॉइल कंट्रोल मैं किस तरह कर पाता हूँ। तो जैसा कि अभी आप लोग यहाँ पे देखें, मैं जो 4S का रिकॉल था वो बहुत ही कम था। और चलिए मैं बैठ कर मार से लिया, मैं खड़ा होकर मार कर आप लोगों को दिखाता हूँ। तो जैसा कि अभी आप लोग यहाँ पे देखें, मैं जो 4S का रिकॉल था वो बहुत ही अच्छा था, लेकिन अभी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ जिससे मैं और भी अच्छा कर सकूँ। तो जैसे कि आप लोगों को पता है गाइस कि सब लोग यहाँ पे जब भी M4 यूज़ करते हैं तो उसमें ज़्यादातर 3X ही यूज़ करते हैं, और अगर 6X मिल जाता है तो उसे 3 करके यूज़ करते हैं। मैं भी ये करता हूँ, लेकिन अगर मुझे 4X मिलता है तो मैं 4X भी यूज़ करता हूँ। तो आज मैं बताता हूँ कि अगर आप लोगों को 4X मिलता है तो आप लोग M4 के साथ भी 4X भी यूज़ कर सकते हैं, और वो भी बहुत ही अच्छा तरीका से। तो मैं आपको बता दी कि आप लोग कौन सा अटैचमेंट उठाना है। अब उसके बाद आप लोग को ट्रेनिंग मोड में आना है, और उसके बाद यहाँ पर आप लोग को प्रैक्टिस करना है। अगर आप लोग जायरोस्कोप यूज़ करते हैं तो आप लोग जायरोस्कोप का सेंसिटिविटी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये है मेरा जायरोस्कोप का सेंसिटिविटी, तो आप लोग कॉपी कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहें तो यहाँ पे ये 4S का जो है वो 200 भी रख सकते हैं, या फिर 240। मैं तो 240 रखा हूँ, तो आप लोग ये कर सकते हैं। अब अगर आप लोग जायरोस्कोप यूज़ नहीं करते हैं तो फिर आप लोग को ADS सेंसिटिविटी का 4X का कंट्रोल चेंज करना पड़ेगा। यानी कि देख सकते हैं यहाँ पे ADS सेंसिटिविटी जो होता है वो ये है कि जब भी आप लोग स्कोप ऑन करके फायर करते हैं और फिंगर से जो आप लोग रिकॉइल कंट्रोल करते हैं वो होता है ADS सेंसिटिविटी। तो यहाँ पे आप लोग देखें, मैं फिंगर से कर रहा था तो ये था मेरा ADS सेंसिटिविटी। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो मेरा ADS सेंसिटिविटी है वो भी आप लोग कॉपी कर सकते हैं। मेरा दोनों सेंसिटिविटी एकदम सही है, आप लोग चाहे तो कॉपी कर लीजिए। फिर उसके बाद आप लोग पबजी में आइए यहाँ पर ट्रेनिंग मोड में और प्रैक्टिस करिए। एक्चुअली मैं आप लोग को दिखाता हूँ, तो यहाँ पर आप लोग को आना और प्रैक्टिस करना है। तो आप लोग पहले रिकॉइल प्रैक्टिस करिएगा, अगर आप लोग का रिकॉइल सही से नहीं हो पा रहा है तो आप लोग करते रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे शुरू में आप लोगों का गलत रिकॉइल होगा, मतलब रिकॉइल सही से नहीं हो पाएगा, लेकिन प्रैक्टिस करते करते आप लोगों का रिकॉइल बहुत ही अच्छा हो जाएगा। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, मैं खड़ा होकर मार रहा हूँ तो देख सकते हैं मेरा रिकॉइल कितना अच्छा है। तो ये चीज़ गाइस मैंने भी प्रैक्टिस किया है। अगर आप लोग बिना प्रैक्टिस का डायरेक्ट क्लासिक में खेलेंगे और रिकॉइल कंट्रोल करेंगे तो आप लोग का कंट्रोल नहीं होने वाला है, क्योंकि बिना प्रैक्टिस का कुछ भी आप लोग सही से नहीं कर पाएंगे। अब चलिए मैं आप लोगों को फिर से एक बार करके दिखाता हूँ। तो आप लोग को यहाँ पे आना है और कोई बोर्ड लेना है जो आपका दूर हो, मतलब जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं वो जो लास्ट बोर्ड है उसे ले लेना है और फिर मारना है। तो देख सकते हैं अभी थोड़ा रिकॉइल मेरा हो रहा है, लेकिन आप लोग को प्रैक्टिस करते रहना है। और अगर आप लोग को रिकॉइल और अच्छे से कंट्रोल करना है तो आप लोग बैठ लीजिए और उसके बाद पिक करके फायर करिए। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जब आप लोग क्राउच करके पिक करके फायर करेंगे तो मैं जो रिकॉइल था वो आप लोग देखिए कितना बढ़िया था। और अगर आप लोग पास प्रोन के फायर करते हैं तो उससे आप लोग देख पा रहे हैं जो रिकॉयल है वो एकदम जीरो रिकॉयल है। तो ये चीज़ गाइस मैं को बताना चाहता हूँ कि आप लोग जानते ही होंगे, लेकिन मैं बता देता हूँ कि अगर आप लोग को मौका मिलता है कि आप लोग क्राउड शूट या फिर प्रोन शूट कर पाते हैं तो आप लोग वही चीज़ करिए, क्योंकि अगर आप लोग स्टैंड होकर मारेंगे उससे तो अच्छा होगा कि आप लोग क्राउड शूट या प्रोन शूट करें। तो गाइस यही था मेरे इस वीडियो में जो मुझे बताना था किस तरह से आप लोग पबजी मोबाइल में 4S का रिकॉयल कंट्रोल कर सकते हैं M4 के साथ। तो अगर आप लोगों को किसी भी टॉपिक वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं आप लोग के लिए इस टॉपिक पे वीडियो ले आऊँगा। तो ये था मेरे इस वीडियो में। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर लाइक करिएगा,
चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। एंड पे दोस्तों लोगों को बताने के लिए कैसे वो लोग भी M4 के साथ 4S का रिकॉइल कंट्रोल कर सकते हैं, मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिएगा।